नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सूरजपोल थाने में इस्तगासे के जरिए अस्थल आश्रम के महंत रास बिहारी शरण शास्त्री और निम्बार्क सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। परिवादी महंत का सांसारिक जीवन का चचेरा भाई ही है। पुलिस के मुताबिक न्यू फतेहपुरा निवासी संजय शर्मा ने चचेरे भाई और निम्बार्क गंगा सोसाइटी अध्यक्ष महंत रास बिहारी सहित सचिव वृद्धि शंकर चौबीसा, कोषाध्यक्ष धर्म नारायण नागदा और सदस्य भगवती शंकर व्यास के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से शैक्षणिक संस्था के संचालन का मुकदमा दर्ज करवाया है। हालांकि शास्त्री का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की नीयत से झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सरकार उनके शैक्षणिक संस्थानों का 3 बार निरीक्षण करवा चुकी है, सभी मान्यता विधि संवत पाई गई है। प्रकरण के मुताबिक निम्बार्क गंगा सोसाइटी के स्वामित्व में सूरजपोल बाहर एक बीएड कॉलेज के साथ ही शिक्षा शास्त्री और संस्कृत एसटीसी पाठ्यक्रम संचालित है। बीएड के लिए 50-50 की 2 कक्षाओं के लिए 16 फुल टाइम फैकल्टी और 8 नॉन टीचिंग कर्मचारी होना आवश्यक है। बीएड कॉलेज की नई बिल्डिंग में नियम विरुद्ध 8वीं तक का स्कूल शुरू किया गया और इसी दौरान आयुक्तालय, पंजीयक और संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से मान्यता और संबद्धता के लिए निरीक्षण कराया गया और झूठी रिपोर्ट तैयार कराई गई।